हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड की हेल्प से, ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं। चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है 36। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट का ए है 36। अब देखो कॉलम मेथड होता क्या है, ठीक है, कॉलम मेथड कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। पहले तो ये एक्स, ये बॉक्स बनाते हैं एक तरह से, ठीक, कॉलम मेथड बनाते हैं क्योंकि इसका नाम ही कॉलम मेथड, ये रो, ठीक है, ऐसे बनाया। यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक लाइन खींची फिर, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा 2xy, यहाँ पर लाइन खींची, फिर यहाँ पर लिखा वाई स्क्वायर, है ना, समझ में आ गया इतना। ये कॉलम मेथड है, ठीक है, ये रूल है। अब देखो ये एक्स क्या है, वाई क्या है, ये कहाँ से आएगा, इसको देखो, ये 36 है हमारा, ठीक है, 36 में जो 3 है वो हो गया हमारा एक्स, ठीक है, जो 6 है वो हो गया हमारा वाई, ठीक है। जहाँ पर x का आएगा वहाँ पर 3 लिखेंगे, जहाँ पर y का आएगा वहाँ पर 6 करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या पहले x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, 3, और उसमें लगा स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर 2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई में x है, मल्टीप्लाई लगाया, और क्या x है, x की जगह पे क्या 3 लिखा, 3, y की जगह पे 6 लिख दिया, 6, y की जगह पे क्या है 6 है, यहाँ पर लिखा 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, 6 का स्क्वायर करो, क्या होता है, 6 6 6 36 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, 2 3 6 और 6 6 36, यहाँ पर भी 36 आया, लिख दिया 36। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 9 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इनको प्लस करना है, प्लस करने का तरीका बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या है, 6 है, 6 को बिल्कुल ऐसे लिखा हमने, ठीक है, 6 को ऐसे ही लिखा। अब जो ये 3 है, 3 को आगे भेज दिया प्लस के लिए, यहाँ पे लिखा प्लस 3, जो ये 3 था ना, यूनिट डिजिट को रखा यहाँ पर, और जो यूनिट के बाद डिजिट जो थी उसको आगे भेजा प्लस के लिए, प्लस करेंगे अब इसको, 6 प्लस 3 9, और 3 में 3 तो 3 है तो 3 लिखा। अब इसका यूनिट डिजिट क्या, 9, और इसके आगे जितने भी डिजिट हैं 3 है, तो 3 को आगे भेज दिया 3 प्लस, तो 3 में 9 को प्लस किया कितना आया 12, ठीक है। अब देखो इसमें लिखो 12, पूरा वही से इक्वल्स टू लिखो 12, ठीक है, यूनिट डिजिट कौन सी बच रही थी, 9 9 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर क्या बच रहा था, 6, यहाँ पे लिख दिया हमने 6, ठीक है, इतना समझ में आया। और यही हमारा ये क्या हो गया, 36 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, आंसर 36 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ये कॉलम मेथड, ये आंसर। अब क्वेश्चन इसी का बी करो, बी में कितना है, 57। अब देखो 5 को माना हमने क्या, फिर से x, और 7 को कह दिया हमने, ये हो जाएगा हमारा y, या फिर ऐसे लिख लो कि y, ऐसे लिख लो y इक्वल्स टू 7, बात एक ही है, ठीक है। फिर से कॉलम मेथड में क्या होता है रूल, एक्स स्क्वायर निकालना होता है, फिर 2xy निकालना होता है, फिर हमें निकालना होता है वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कॉलम के अंदर रख दो लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह पे क्या लिखना था हमें, 5 5 तो लिखा नहीं था, दो लिख दिया अब, ठीक है, 5 लिखना था, 5 लिखा, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दो, 2 की जगह पे 2, x की जगह पे फिर 5, और y की जगह पे क्या था 7, तो 7 लिख दिया, फिर y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमें, 7, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 49 49 लिख दिया हमने। अब इसको उससे मल्टीप्लाई, 5 2 10 10 और 7 70 70 लिखो, ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। फिर से इसमें यूनिट डिजिट है उसको नीचे रख दो, ऐसे लिख लो, और जो उसके आगे डिजिट है उसको आगे प्लस के लिए भेज दो, 4 बच रहा है, 4 आगे, ये यूनिट डिजिट है, इसको लिखा 4 को यहाँ पर आगे प्लस के लिए भेज दो, प्लस 4, और यहाँ पर 7 74, फिर यूनिट डिजिट को रखा और 7 को आगे प्लस में भेज दिया, तो प्लस 7। अब 7 प्लस 5 करो 12, 1 है 3, तो इसमें दोनों है ना, दोनों डिजिट को ले लो 32, और यहाँ पर यूनिट डिजिट जो हमने भेजी नहीं थी 4, और यहाँ करके अभी नहीं भेजा था 9, तो 3 2 4 9,
ये हमारा आंसर आ गया। अब सी का बी करो, सी बी तो कर लिया, सी में है 42, 42 ठीक है। 4 को क्या हमने लेट किया है, एक्स होगा हमारा 4 और कह दिया कि ये जो 2 है वो हो जाएगा हमारा वाई, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2xy और यहाँ पर वाई स्क्वायर। एक्स में क्या लिखा, 4, 2 इंटू 4 इंटू 2, वाई में लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वाई की जगह पे 2 माना था। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, ठीक है। अब इसको करो, 4 2 जाए 8 जाए 16, अब इसको करो 4 4 जाए 16। अब इसमें एक ही डिजिट है 4, तो 4 को वही रहने दो। अब 16 में 2 है तो 6 यहाँ लिख लो यूनिट डिजिट पे, और यहाँ पे 1 को आगे भेज दो, प्लस 1 कर दो, ठीक है। इसको यहीं पे रखो, इसको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे लाइन की तो अपने लिए समझने के लिए खाली हम बता रहा है। यहाँ पर 6 बच रहा है, 1 को आगे भेजा प्लस के लिए, तो कितना आएगा, 17, ठीक है। अब क्या करो, 17 को 17 लिखो, यहाँ पर क्या बचा था 6 और यहाँ पर क्या बच रहा था 4, तो आंसर क्या हो गया, 1764 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन इसी का हम लोग करेंगे, सी हो गया, करेंगे डी। डी है हमारा 29, डी में 29 है, 29, ठीक है। अब 29 को क्या कर सकते हो, 29 को हमने फिर से x कर दिया 2 और y कर दिया 9 को, ठीक है। फिर से कॉलम मेथड का क्या होता है, एक्स स्क्वायर 2xy और यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर जगह लिखा 2 का स्क्वायर, 2 इंटू वाई की जगह पर लिखा x है, x की जगह 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में y में 9, फिर y का स्क्वायर कर दो 9 स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या, 9 जा 81 लिख दो। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36, 36 लिख दो। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दो यूनिट डिजिट 1 है, इसको 1 यहाँ रहने दो, 8 को यहाँ पर भेज दो प्लस के लिए, प्लस 8। अब इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 14, 4 कैरी 1, 3, 4। अब यूनिट डिजिट 4 को ये रहने दो, ये इस 4 को आगे भेज दो, 4 प्लस 4 8, तो आया क्या आंसर, 8 है यहाँ पर। इसकी यूनिट डिजिट क्या थी, 4, और इसकी क्या थी, 1, 841 आंसर डी हो गया। ई नंबर, ई में क्या करना है, 76 है, फिर से 7 को मान लिया हमने एक्स, ठीक है, और 6 को क्या क्या, ये होगा हमारा वाई। बस फॉर्मूले पे रख दिया हमने, क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर 2xy और वाई स्क्वायर, अब देखो x की जगह पे x रखो 7 है, 7 का स्क्वायर कर दो, 2 इंटू 7 इंटू 6 करो, y की जगह पे 6 कर दो, 6 6 जा क्या हुआ 36, ठीक है, 6 6 7 जा 42 और 2 84, ठीक है, 84 आएगा। और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 जा 49, फिर से यूनिट डिजिट यहीं पे रखी और जो आगे डिजिट उसको आगे प्लस के लिए भेजा, प्लस 3 क्या, 4 3 7 और 8, फिर 7 को यहाँ रखो, 8 को प्लस के लिए भेज दिया, 8 कर दो, 8 प्लस 9 करो, 7 प्लस 1 5, दो क्या आ रहा, 57। तो हमारे पास इसको 57 को पूरा 57 लिखा, यूनिट डिजिट क्या थी 7 और इसकी क्या थी 6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा, क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग ऑब्जर्वेशन मैथड, ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करके हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। चलिए इसे करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, 97 है। अब कह रहा है 97 में ऐसा कुछ ऑब्जर्व करो कि इसका स्क्वायर निकालो,
कुछ ऑब्जर्व करके, कुछ भी कैसे भी करके, ठीक है ठीक है। चलो अब हम देख रहे हैं, हम आपको इसमें एक फॉर्मूला बताते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो अगर इसको ध्यान से देखो, इतना ये प्लस प्लस हटा दोगे तो आपने यही मेथड अभी आपने किसमें यूज़ किया है, कॉलम मेथड में, कॉलम मेथड में यही सॉल्व किया है। अब क्या रहा है कि इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या करना है, इसको ही सॉल्व करना है। तो देख लो x प्लस वाई, ठीक है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर हमने इससे पहले भी एक्सरसाइज में पढ़ा था 3.2 में, क्या पढ़ा था, a प्लस बी, सेम वही था, बस यहाँ पर a प्लस बी की जगह x प्लस वाई है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ में तो आप हमें कमेंट करो, ठीक, कमेंट करके तुरंत बताओ। अब देखो क्या करना है कि इसको 97 को हमें x प्लस वाई के फॉर्म में लाना है। अब इसे लाएंगे कैसे, तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसे कि 97 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 97 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 7, लिख सकते हैं 97 को लिख सकते हैं 90 प्लस 7, तो प्लस करो तो 97 आ जाएगा। बस वैसे ही ऐसे लिखो 90 प्लस 7, यहाँ पे लिख दो स्क्वायर, बस इसमें ही मतलब इस फॉर्मूले में ही पुट कर दो वैल्यू सारी, ये x हो गई ये y हो गई। अब x की जगह पे 90 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 2 x की जगह पे क्या करूँ, फिर से 90 इंटू y की जगह पे 7 प्लस y का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब करो 90 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 81, 8 1 00 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 9 2 18 180 इंटू 7 करो, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर क्या, 7 7 49 49 लिख दो, 180 इंटू 7 करो तो कितना होगा यहाँ पर, 8 1 00 प्लस करो तो कितना, 1 2 6 0 1 2 6 0 प्लस 49। अब इनको कर दो प्लस तो कितना आएगा, इनको करना पड़ेगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा, अब करो इनको प्लस, ठीक है, जब प्लस किया हमने तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 9 आएगा लास्ट में, और फिर क्या 6 4 0 मतलब 10 0 कैरी 1 में जाएगा, 2 3 4 4 आएगा, और 8 8 4 9 0 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी तरह सारे इसी में करने हैं, सारे 4 0 2 में, देखो सेकंड है इसका बी क्या है, 4 0 2, तो फॉर्मूला फिर से वही लिख दो, किस तरह हमें पुट करना है, इस फॉर्म में x प्लस वाई के होल स्क्वायर में। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दो प्लस टू एक्स वाई लिख दो, इसको चाहे यहाँ लिखो इसको यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 400 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 402 आ जाएगा। अब इसको क्या करो, 400 प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख दो 400, तो 400 स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे लिखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 400 इंटू 2, 4 4 16, 4 times 0 प्लस 2 2 4 प्लस 2 2 4 4 4 16, 1 6 00, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4, फिर होगा 0 6 1 1 6, ठीक है, 1 6, ठीक है, 1 6 1 6 0 4 ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी हो गया, सी करेंगे, सी में हमें क्या करना है, सी में 105 है, ठीक है, तो 105 लिखा हमने, 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 5, ठीक है, बस फिर से हमने क्या किया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, तो x प्लस वाई यहाँ पर लिखा हमने 100 प्लस 5 होल स्क्वायर, x की जगह पे लिखा 100 कर दिया x की जगह पे, लिखा 100 होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे लिखा 5 होल स्क्वायर प्लस
2 × 100 × 5। अब क्या करना है, 100 × 100 1, 2, 3, 4 +5, 5 = 25 +5, 2 = 10 10 × 100 = 1000। अब 1000 के इसमें प्लस करो तो कितना आएगा, 1000 प्लस करो तो आएगा हमारे पास लास्ट में आएगा 25 011। ठीक है, 11025 याद आएगा हमारा आंसर, सी हो गया। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन इसी का डी। डी में कितना है, 98 है। ठीक है, 98 करते हैं इसको, 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 + 8। ठीक है, ऐसे किया हमने, फिर से फॉर्मूला लगाया कौन सा, x + y² = x² + y² + 2xy। x की जगह पे लिखा 90 है यहाँ पर, प्लस y की जगह पे लिखा 8 प्लस 2, x की जगह पर क्या होगा 90 × 8। तो 90 का स्क्वायर क्या हो, 9 × 9 = 81 00 कर दो, ये 90 का स्क्वायर हो गया, प्लस 8 × 8 = 64 प्लस 8 × 9 = 72 ये लो 720 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, 8100 + 64 प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई 2 को इसमें करो, 7 × 2 = 14 40 ये आएगा। अब इनको कर दो प्लस, तो प्लस करने में कितना आएगा, 9604 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर ई, ई में क्या है, 308 है, ए बी सी डी हो गया, ई हो गया 308। 308 को कैसे लिख सकते हो, 300 + 8 तो क्या करो, किस फॉर्म लिखना, x + y² = x² + y² + 2xy हो गया। अब x की जगह पे लिखो 300 प्लस y की जगह पे लिखो 8² प्लस 2, x की जगह पे लिखो × 300 × y की जगह पे लिखो 8। अब क्या करो, 3 × 3 = 9 4 × 0 प्लस 8 × 8 = 64 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसको करो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 3 × 2 = 600। ठीक है, और 6 का 8 से मल्टीप्लाई करो, 48 00 प्लस कर दिया हमने, क्या हुआ, 9 4 8 6 4 आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा, हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 3 2। तो आपको अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को जल्दी से, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से हमें इसके स्क्वायर निकालने हैं, इसमें चलिए इसे फाइंड करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या करना है, हमने डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकालना है। इससे पहले हमने दो अलग अलग मेथड से स्क्वायर निकाला था, अब ये है डायगोनल मेथड। अभी डायगोनल मेथड सबसे अलग है, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ध्यान से बिल्कुल समझना, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। चलो डायगोनल मेथड में क्या करते हैं, पहले हम एक तरह से बॉक्स बना लो, देखो दो है ना, तो हमने छोटा सा एक बॉक्स बनाया यहाँ पर, ये लो, ठीक है, और फिर दो हैं, हमने दो कॉलम बनाए और दो रो बना दिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ दो ही नंबर है 2 और 7, इसलिए दो कॉलम और दो रो बना दिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब बीच से इन्हें लाइन खींच दो ऐसे, ठीक है, लाइन खींच दी। अब ध्यान से देखो, 27 में 2 यहाँ पर लिखो एक बार, और 2 यहाँ पर लिखो, सॉरी 7 यहाँ पर लिखो, यहाँ पर भी 2 लिखो, यहाँ पर भी 7 लिखो, समझ में आ गया। इतना क्या करना है, पहले बॉक्स बनाया बिल्कुल एक स्क्वायर मान लो, उसमें क्या कर दिया हमने, दो एक रो बनाई और एक कॉलम बनाई, ठीक है, उसमें फिर से लाइन इस तरह से एक ड्रॉ कर दी। अब क्या किया, फिर हमने उसमें 2 एक जो भी क्वेश्चन था वो हमने लिख दिया 2 फिर 7 फिर ऊपर लिखा 2 और 7 हर रो कॉलम के सामने,
अब क्या करना है, देखो ये इसका ये बॉक्स है, अब इसमें करो 2 इंटू 2, 2 टू जा क्या होगा 4, तो 4 है 0 4, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 आया, 0 4 लिखा, 2 का मल्टीप्लाई 7 से, 7 टू जा 14, 1 ऊपर 4 नीचे, कि क्या करना है, एक ऊपर लिखना है एक नीचे लिखना है, ठीक है। अब देखो अब ये क्या है, इसके पास है ना ये और 2, 7 टू जा 14, यहाँ पे 1 लिखा यहाँ पर 4 लिखा, अब 7 कैसे करो, 7 7 जा 49, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें सिर्फ 9 दिख रहा है, सिर्फ इतने में देखना है, इतने में ध्यान से देखना, ये क्या दिखा, 9 दिखा, तो हमने यहाँ पे लिखा 9, ठीक है। अब क्या करो, ये जो दिख रहा है ना इसमें ये पूरा एक लाइन दिख रही है हमें, ध्यान से देखना, इतना सिर्फ इतने 4 4 4 देखा, ये 4 4 4 है ना, 4 + 4 + 4 करो, 4 4 8 8 4 12 12 करो 2, ठीक है, 2 लिखो और 1 को ऊपर भेज दो कैरी में, इसके पास इस रो में, ठीक है, यहाँ पर हमने भेजा। अब देखो ये और ये, इन दोनों बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 4 1, ठीक है, 1 भी हमारा इसका कैरी में आ रहा था इसके पास, तो 1 + 1 2 और 2 + 4 6 और 1 7, तो यहाँ पर लिखो 7, ठीक है। अब क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 का कोई वो नहीं, 0 लिखना जरूरी नहीं, तो हमारे पास क्या आया 7 2 9, ठीक है, तो 7 लिखो, 2 लिखा और 9, ये हो गया हमारा आंसर। कितना ईजी था ना। अब क्वेश्चन नंबर 2B मतलब इसी का सेकंड पार्ट बी है, वो करेंगे हम, क्या है 44, सेम सब इसको ऐसे ही करना है, बस ध्यान से देखना समझ में आने लगेगा, ठीक है। अगर उसमें नहीं समझ में आया, डाउट है हल्का सा, तो इसमें देखो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी ज़्यादा डाउट है तो हमें तुरंत कमेंट करो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। देखो फिर से, देखो दो हैं, दो नंबर हैं, तो एक रो बनाएंगे हम, सॉरी दो रो बनाएंगे और दो कॉलम बना दिया, ठीक है, ऐसे। अब देखो क्या करना था, फिर एक लाइन ऐसे खींचनी थी दोनों तरफ डायगोनल मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, लाइन खींच दी, अब यहाँ पर लिखा 4 और यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, अब 4 का मल्टीप्लाई 4 से जब इस बॉक्स के लिए करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 4 4 16, 6 लिख, 1 ऊपर 6 नीचे, फिर इस बॉक्स के लिए करेंगे 4 4 16, 1 ऊपर 6 नीचे, इस बॉक्स के लिए करेंगे 4 × 4 16, ठीक है, इस बॉक्स के लिए करेंगे 4 × 4 16, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको सॉल्व करो, फिर से देखो इतना ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 6 है ना, तो यहाँ पे लिखो 6, ठीक है। अब क्या करो इतना, ये क्या करो, अब इनको करो, इनको प्लस, 6 6 12 + 1 13 का 3 करो, कैरी 1 कर दो, 1 प्लस में करो यहाँ पर, ठीक है, प्लस 1, तो 6 7 8 9, अब यहाँ पर 9 कर दो, अब यहाँ पर 1, देखो इसमें अब क्या आएगा, 1 बच रहा है ना ऊपर, यहाँ पर सिर्फ, तो यहाँ पर लिखो 1, तो 1 9 3 6, यहाँ पर लिखो 1 9 3 6, क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। 4 नहीं, ये हमारा बी था, 4 गलती से लिखा, अब बी हो गया, अब छोटी मोटी गलती होती रहती है, अब बी हो गया, सी करते हैं, सी में क्या करना है, 56 है ना इसका हमारा, फिर से इसमें 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का ही बनाएंगे, अगर 3 नंबर होगा तो 3 कॉलम 3 रो, स्क्वायर बनाया, ये लो, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा 5, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, और इस बॉक्स के लिए ये दो हैं, 5 5 = 25, 2 ऊपर 5 नीचे, इसके लिए 6 5 = 33, ऊपर 0 नीचे, अब इस बॉक्स के लिए 6 5 = 33, ऊपर 0 नीचे, अब इस बॉक्स के लिए क्या है, 6 है और यहाँ से 6 आ रहा, 6 6 = 36, क्या करो, अब इतना ध्यान से फिर से देखो, इसके लिए क्या होगा, 6 आ रहा है सिर्फ, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से पूरे में क्या प्लस में आएगा, 3 में प्लस 0 0 को तो 3 ही आएगा, तो लिखा 3,
अब इसमें ध्यान से देखो, 3 + 5 क्या हुआ, 8, 8 3 11 हुआ, 11 का 1 यहाँ लिखो, 1 को ऊपर भेज दो, ठीक है, प्लस के लिए, प्लस में इसमें करो 2 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लो 3 3 1 3 6, आंसर आया 3 1 3 6, आंसर हो गया, ठीक है, सी भी हो गया। अब करेंगे हम लोग इसी का करेंगे डी। डी में क्या है, 32 है डी हमारा, ये लो डी कर लेते हैं यहाँ पे, 32 कॉलम मेथड इसी में, जल्दी से बनाते हैं इसे, ये लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 लिखा, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 2, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, तो 09, ठीक है, 3 का इससे मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 6 06, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 06। अब क्या करो, इस बॉक्स के लिए 2 2 4 04, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे इसमें क्या रहा, 4 है सिर्फ, तो यहाँ लिखो 4, यहाँ पर क्या 6 + 6 12, 2 कैरी में 1 जाएगा, प्लस 1 लिखो, 9 0 0 है इसमें, इस रो में पूरा देखो क्या 9 है ना, प्लस 1 करो 10, 10 का क्या आएगा 0, कैरी 1 जाएगा यहाँ पर प्लस में, तो 0 + 1 1 होता है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 101024, ठीक है, तो लिख दो 1024 आंसर, डी हो गया। इसी में ई करते हैं, ई में क्या कह रहा है, 64 है, ठीक है, 3 का 64 64, ठीक है, यहाँ पे लिखा 6, यहाँ लिखा 4, यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे किया 4, अब इसका फिर से मल्टीप्लाई, 6 6 36 6 कैरी सॉरी 3 ऊपर 6 नीचे, अब इस बॉक्स के लिए करेंगे 6 × 4 करेंगे, 6 4 जा क्या होगा 24, अब इस बॉक्स के लिए करेंगे 6 और 4, 6 4 जा 24, फिर इस बॉक्स के लिए 4 4 जा 16, अब इसको देखो यहाँ पर आ रहा है 6, लिख दिया हमने 6, अब इसमें देखो पूरे में 4 + 1 5 5 4 9, लिख दिया 9, अब इसमें करो 6 2 8 2 10, यहाँ पर आएगा 0, कैरी जाएगा 1, यहाँ पर 3 + 1, यहाँ पर हुआ 4, तो आंसर क्या आया 4096 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब हमारा कहाँ तक हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए, अब 3 के बाद होगा 4 करेंगे हम लोग जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द इजी मेथड, अब ये कौन सा मेथड है, चलो इसको भी पढ़ते हैं और इसके स्क्वायर निकालते हैं इजी मेथड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या है, 91 को इजी मेथड से स्क्वायर निकालो, क्या होगा 91 का स्क्वायर, चलिए फाइंड करते हैं। देखो इजी मेथड में क्या होता है कि इजी मेथड में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उन रूल को फॉलो करना पड़ेगा फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या करना होता है, पहले रूल यहाँ पर पढ़ लेते हैं फिर उसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है, क्योंकि रूल के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। देखो पहला रूल है, जो भी नंबर किसी भी नंबर की एंड में अगर 5 आता है, नंबर एंडिंग इज 5, नंबर एंडिंग इन 5, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा नंबर है यहाँ पर सपोज है 35, ठीक है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये जो लास्ट का यूनिट डिजिट है, ठीक है, इसका कर देते हैं हम स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करो कितना होगा 25, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट नंबर बच रहा है 3 में हम एक तरह से समझ लो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो होता है एक्स और एक्स प्लस 1, अब ये एक्स क्या है, एक्स है हमारा 3, तो एक्स की जगह पर लिखा 3 3 प्लस 1, तो क्या हो गया 3 × 3 + 1 करो 4, क्या हुआ 3 4 जा 12, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 12 और 24, बस प्लस भी नहीं करेंगे ना माइनस करेंगे, वैसे दोनों डिजिट को लिख देंगे, तो ये हुआ हमारा इजी मेथड का पहला रूल है, जो नंबर हमारा 5 से एंड हो रहा है।
अब हम करते हैं दूसरा मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला मेथड था जो 5 के लास्ट में क्या हुआ, 5 होना चाहिए। अब दूसरा मेथड क्या कहता है कि जो नंबर होगा, नंबर क्लोज टू किसके 100 के पास में होगा, ठीक है। जैसे हम अपना ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 91 को ले लेते हैं जैसे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसका पहला स्टेप होता है कि 100 माइनस 91, ठीक है, तो आएगा हमारे पास 9। जो 9 आया उसका 9 का हम निकालेंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 81, ठीक है। अब जो 9 आया, ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे किससे, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 91 था ना, तो 91 माइनस 9 कितना आया, 82 81। समझ में आ गया, यही हमारा देखो इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। अब देखो क्या करना है कि अब देखो ये हमारा 91 है जो, वो हमारा 100 से कम है, सिंपल सा, ये हम एक बार कर चुके हैं, सेम फिर से यही स्टेप हम इसमें करेंगे। तो पहला स्टेप होता है हमारा क्या कि हमें इसको माइनस करना होता है 100 से। लो 100 माइनस 91 क्या आया, 9 आया। अब जो आता है उसका हम निकालते हैं स्क्वायर, दूसरा स्टेप है, तो स्क्वायर क्या होगा, 91 का क्या हो, 81, ठीक है। अब क्या करते हैं, तीसरा स्टेप जो है, जो हमारा माइनस करने में आया है उसको फिर से माइनस करते हैं 91 से, जो हमारा क्वेश्चन होता है 91 माइनस 9, इसको माइनस करो तो आएगा 82। अब क्या करना होता है, जो स्क्वायर है, जो ये माइनस करने पर, इसको और इसको लिख देते हैं, पहले लिखेंगे 82 फिर लिखेंगे 81, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसी का क्वेश्चन बी है, हम करेंगे बी। बी में क्या करना है, बी है 98, ठीक है। देखो ये भी क्या है, क्या है, 100 के पास में, ठीक है। फिर से यही मेथड लगेगा, पहला स्टेप क्या होगा इसमें कि इसको हमें 100 से करना है माइनस, 98 किया 2 आया। फिर दूसरा स्टेप है, जो 2 आ रहा है, जो भी आंसर आया उसका हमें निकालना है स्क्वायर, इसका आया 4, ठीक है। अब जो 4 आया है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा हमें किससे, अपने क्वेश्चन से, तो 98 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हुआ, 94, ठीक है। अब 94 और ये 4 को साथ में लिख दो, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखो एक गलत हो गया, क्योंकि हमें इससे नहीं माइनस करना, माइनस करना होगा इस नंबर से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अभी गलती हुई है इसमें, तो फिर इसको करो 96, ठीक है। अब देखो 96 और 4 आ रहा है, अब 4 क्या होगा, 4 सिंपल नहीं, 4 के साथ 0 होगा, ठीक है, 04 हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। अब आंसर लिख दो 96 04, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है, बी हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन इसी का सी नंबर। सी में क्या कह रहा है, हमें करना है 106। अब देखो 106 के लास्ट में 5 भी नहीं आ रहा है, और क्या 100 के क्लोज में है, 100 के कह सकते हैं कि 100 के क्लोज में है, मगर एक और मेथड होता है जो हमारा क्या होता है, 100 से अगर ज़्यादा होता है, मोर देन हंड्रेड, ठीक है, अगर मोर देन 100 है तो हम क्या करते हैं पता है, जो क्वेश्चन होता है, जैसे हमारा इसी को हम सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है, मोर देन 100 वाले में, जैसे जो क्वेश्चन है, जो 106 है, इसको माइनस करते हैं, 106 को माइनस करते हैं 100 से, तो हमारे पास क्या आया, 6, ठीक है। जो आता है उसका कर देते हैं फिर हम स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 36, इसका स्क्वायर करो, 6 6 36, ठीक है। अब देखो क्या करो कि अब 106 है, यहाँ पर 6 है, तो जैसे हम लोग पहले माइनस करते थे, और मोर देन में हम क्या करेंगे, इसे करेंगे प्लस, 106 प्लस 6 इक्वल्स टू 112, बस सिंपल सा, क्या लिखना है, 112 और क्या लिखना है, 36 लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग डी। डी में क्या है, 195, तो इसकी लास्ट में क्या आ रहा है, डी में 5 आ रहा है, 195। और हमने सबसे पहले ये हमने पढ़ा था इसका रूल, अगर जिस क्वेश्चन के भी लास्ट में अगर 5 आता है, जैसे ये दो था ना, नंबर एंडिंग इन 5, अगर एंड में 5 आ रहा है तो हम क्या करते हैं,
पहले 5 का स्क्वायर बना देते हैं, इसको देखो सकते हैं साथ में और इसको देखते ही करते रहो, ठीक है। देखो इसका क्या करना होता है, हमें इसका स्क्वायर लिखना होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 25, ठीक है। अब क्या हुआ, 19 को हम लेट कर लेंगे x, x के बराबर होता है 19, तो हम इसमें एक रूल चलाएंगे जो होता है कि x x प्लस 1, ठीक है। x इस जगह पर लिखा 19 और 19 प्लस 1 कर दिया, तो क्या हुआ 19 इंटू 20 कर दिया, तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास, 19 इंटू 20 करो तो कितना होगा, 19 2 38, और 0 लगा दो, 0 लगा दो, ठीक है। अब इसको और ये लिख दो, कैसे लिखोगे, 380 और 25, हो गया आंसर, डी भी हो गया। करो ई, ई में क्या है हमारा, 505, इसके भी लास्ट में 5 है, तो इस लास्ट वाले के में क्या करना है, यूनिट नंबर को हमने किया स्क्वायर 25, फिर क्या करना है, x प्लस नहीं, x ब्रैकेट में x प्लस 1 में हमें पुट करना है 50 की वैल्यू, क्योंकि ये आगे वाले नंबर हमें x होते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हम कह दे रहे हैं ये हुआ हमारा 50 हुआ। अब देखो 50 यहाँ लिखा 50 प्लस 1, अब 50 इंटू 51 करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 5 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर था 25 और यहाँ पर इसको सीधा ऐसे लिख दो 2 5 5 0, और ये 25 था ना, यहाँ पर भी लिख दो 25, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 2x-7-5x-9x-3+4x ओके इक्वल्स टू 7/6, तो हम देख रहे हैं, तो इसमें सिंपल सा पहले क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 का इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ये है डिवाइड में, तो लिखा यहाँ पर 6, ठीक है, 2x माइनस ब्रैकेट में 7-5x ओके। अब क्या करना है, इक्वल्स टू में ये देखो यहाँ पर डिवाइड में ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लिखा हमने 9x, ना ना पहले लिखेंगे 7, ठीक है, फिर लिखेंगे 9x माइनस 3+4x हो गया। अब क्या करो, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, लिखा हमने 2x, ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो 7x और माइनस माइनस हुआ प्लस 5x, ठीक है, इक्वल्स टू 7 है, फिर से इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, लिखो 9x माइनस है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो 3x सॉरी माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हुआ और यहाँ पर कितना आएगा, 4x, ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो क्या करना है, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12x और 6 7 42 और 6 5 30x, ठीक है। अब 7 का इसमें सब में मल्टीप्लाई, 7 9 63x, 7 3 21 माइनस 7 4 28x। अब क्या करो, 12x और 30x प्लस में दोनों इनको प्लस कर दो तो कितना होगा, 42x-42 इक्वल्स टू 63 और 28 दोनों x में साथ में प्लस माइनस करो तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 35x-21, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो ये जो x है 35 ये साइड प्लस में, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 42x-35x, ठीक है। अब ये देखो 42 माइनस में, इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में लिख दो 42-21, देखो इसके आगे प्लस ही है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ये चीज समझ में आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7x इक्वल्स टू, अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, 21/7 करो, 7 3 तो x आ गया 3, ये हो गया हमारा आंसर, 24 हो गया। अब करेंगे हम लोग 25 है, इसको करते हैं नोट, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंपल से हम देख रहे हैं क्या, m है माइनस में, फिर ये है, फिर 1 है, ये माइनस में, ये है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करो, m है, m के अपॉन में 1 मान लो और 1 के अपॉन में 1 मान लिया,
ठीक है अपनी तरफ से, क्योंकि अगर इसका वन का इससे डिवाइड करोगे तो m ही आएगा, वन का इससे डिवाइड करोगे तो वो m ही, सॉरी m वन ही आएगा। ठीक है, जब हमने ऐसा कर लिया तो हम देख रहे हैं कि अब हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं, तो हमने इसमें एलसीएम ले लिया, कितना आएगा एलसीएम, टू आएगा, टू वन का इससे क्या करना है डिवाइड, टू आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करो तो टू एम आ जाएगा, माइनस यहाँ पे टू है, डिवाइड में वन आया, ऊपर क्या आएगा एम माइनस वन आया, इक्वल्स टू, अब इसमें भी एलसीएम ले लो क्या, थ्री, तो यहाँ पर आएगा थ्री और यहाँ पर आएगा एम माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, टू एम माइनस है अंदर, माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस एम माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टू इक्वल्स टू थ्री माइनस एम माइनस माइनस प्लस टू अपॉन थ्री। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थ्री का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, टू का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो थ्री टू एम माइनस एम प्लस वन इक्वल्स टू टू थ्री माइनस एम प्लस टू। ठीक है, थ्री टू जो सिक्स, सिक्स एम माइनस थ्री एम, अब प्लस करो थ्री वन जो थ्री। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई इक्वल्स टू टू का इससे मल्टीप्लाई, थ्री टू जो सिक्स माइनस टू एम, अब टू का इससे टू टू जो फोर। ठीक है, देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, थ्री एम प्लस थ्री इक्वल्स टू सिक्स प्लस फोर टेन माइनस टू एम। अब क्या करो, ये माइनस टू एम है, इक्वल के इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री एम प्लस टू एम। ठीक है, अब ये तो प्लस थ्री है, इक्वल के इस साइड ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का ये टेन माइनस थ्री, तो ये फाइव एम इक्वल्स टू सेवन। ये देखो फाइव हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में सेवन अपॉन फाइव, तो इसको सॉल्व कर दिया हमने, सेवन अपॉन फाइव आया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 25 हो गया, अब करते हैं 26। तो 26 हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है इसमें हमें 26 में, पहले इसमें भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, 4 को इधर ले जाओ, देखो ब्रैकेट में इसको लिखो पहले, तो 4x प्लस 7, फिर ये है ना इसके पास ले गए थे, इसको भी ब्रैकेट में लिखो 3x प्लस 5। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, इक्वल्स टू लगा, इक्वल्स टू लगा, ये दो डिवाइड में इक्वल के इधर ले जाओ, इसके पहले ये लिखो 3x प्लस 4, अब ये लिख दो 4x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करो, पहले 4 का इस पूरे मल्टीप्लाई करो, फिर 7 का इन दोनों मल्टीप्लाई कराना। ओके, तो हमने 4x का पहले इसमें मल्टीप्लाई किया, 4x का 3x में करो तो क्या होगा, 4 थ्री 12 एक्स, एक्स एक्स क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया, देखो 4x फिर से यहाँ बताते 4x इंटू 3x करना है, तो 3 4 जो 12 तो हो ही जाएगा। अब देखो x x मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, है ना, इतना पता है, यहाँ पे पावर 1 होगी, यहाँ पर 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 4x का मल्टीप्लाई 5 में करो, प्लस लगाए तो प्लस लिखो, 4 5 जो 20 एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स लिख दिया। अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 एक्स प्लस 7 5 जा 35 इक्वल्स टू 3 का कर दो 4 में मल्टीप्लाई, 3x का 4 में करना है हमें मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12 एक्स है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर से 3x का 2 में कर दो, प्लस लिखो 3 2 जा 6x, फिर से 4 का इसमें करो, 4 4 जा 16x प्लस 4 2 जा 8 हो गया। ये बहुत लंबी लाइन बन गई इसमें, तो अब इसमें फाइंड करो क्या, इसमें तो कुछ हो सकता है, तो ये एक्स एक्स हैं दोनों, ये दोनों इनको कर दो प्लस, दो प्लस ही तो होंगे, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 41 एक्स प्लस 35 इक्वल्स टू 12 एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 22x प्लस 8। ओके, समझ गए। अब क्या करो कि x को, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ ले आओ। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, पहले एक्स स्क्वायर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाले इस साइड ले आओ,
तो लिखा हमने 12 एक्स स्क्वायर, ये यहाँ हम इस साइड ला रहे हैं इक्वल के, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, प्लस 41x प्लस 35 है, इक्वल्स लगा दो, क्या बचा यहाँ पे 22 प्लस 8 बचा, 22x प्लस 8, ठीक है। अब दो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या आ रहा, 41x प्लस 35, लिखा 41x, ठीक है। अब दो ये x है ना, इस x को फिर से इक्वल के साइड ले आओ, तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा 22x, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये 35 है, 35 प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाओ तो क्या होगा, माइनस का होगा 8 माइनस 35, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, माइनस करो इसको, तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस करने पे, हमारे पास आएगा 19x इक्वल्स टू माइनस का 27, ठीक है, x है ये मल्टीप्लाई इक्वल के इधर ले जाओ, 27 माइनस अपॉन 19, आंसर 26 हो गया, देखा हमने 27 में। क्वेश्चन को करते हैं नोट जल्दी से, देखो ये भी सेम बिल्कुल 26 की तरह, ठीक है। अब इसको भी इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज दो, तो लिखो x प्लस 6, पहले तो ब्रैकेट में ही लिखना सबको, ठीक है, यहाँ लिखो 9x माइनस 7 इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको इसकी साइड भेजना है मल्टीप्लाई में, 3x माइनस 4 3x प्लस 5। अब x का इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर 6 का करना, x को करो तो क्या होगा 9x स्क्वायर, फिर x का 7 के साथ करो माइनस 7x, अब प्लस है प्लस लिखो 6 का इसमें मल्टीप्लाई, 6 9 जा कितना होता 54, x है तो x लिख दो, अब 6 का इसके साथ 7 में तो प्लस माइनस आएगा, माइनस का 7 6 जा क्या होता है 42 होता है, 42 लिखा हमने। अब 3 का इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, फिर 4 का फिर करना, 3 कम करेंगे 3 जा 9 होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, 3x का फिर 5 में करेंगे, प्लस लगा हुआ है आगे तो हमने प्लस लिखा, 3 5 15 x लिख दिया। अब माइनस 4 का करो, माइनस 3 4 12 x 4 5 20 प्लस माइनस माइनस, ओके। अब देखो क्या है इसमें, x x है इसको कर दो, प्लस माइनस माइनस हो रहा है 9x स्क्वायर, अब इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 47 आएगा ना, 47x माइनस 42 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस, तो अब इसमें हो रहा है कुछ प्लस माइनस माइनस होगा मगर आएगा तो प्लस का ही क्योंकि 15 बड़ा है, तो क्या करो इसमें 15 है बड़ा है तो 22 अपॉन 44, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, तो 11 कर दो, 11 टू जा और 11 फोर जा, 2 से कैंसिल कर दो, 1 अपॉन 2 आ गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके तुरंत हमको बता दो। क्वेश्चन नंबर 28 जो है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 28 ये है, बिल्कुल जैसे 26 किया 7 किया वैसे 28 करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो हमने लिखा 4 प्लस 5x ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे लिखा 2 माइनस 7x ब्रैकेट में, इक्वल लगाया, फिर ये था ना 3 प्लस 7x ब्रैकेट में किया, फिर से 1 माइनस 5x कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई पहले इन सब में करना है, ठीक है, 4 टू जा 8, अब क्या करो 4 का 7 में करो, माइनस लगा हुआ है माइनस लिखो, 4 7 जा कितना होता है 28 होता है, लिखो 28x, अब 5x का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 5 टू जा 10 प्लस का आएगा 10x, 5 7 जा 35 क्योंकि 5x का हमने इसमें करा दिया इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो 3 का पहले इस पूरे मल्टीप्लाई करो, लिखो 3 1 जा 3, अब देखो 3 का माइनस 5 में होगा तो माइनस 3 5 जा 15x, ठीक है। अब प्लस 7 का इसमें कराओ तो प्लस 7x,
और प्लस माइनस एक्स इक्वल किस साइड होगा, तो प्लस 8x हो जाएगा। अब ये माइनस 35 है, इक्वल किस साइड होगा, प्लस 35x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू। अब क्या ना ये 8 है ना, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 लिखा हुआ 3 लिखो माइनस का 8, ओके। अब देखो 35x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस 18 में 8 को माइनस कर दो तो माइनस का 10x आ जाएगा। अब देखो 8 में 3 माइनस करो तो माइनस का 5। अब x इक्वल्स टू देखो माइनस 10 मल्टीप्लाई में इक्वल किस साइड आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल और 5 से ये कैंसिल, तो 5 वन 5, 5 टू 10, तो हमारे पास आंसर आया 1 अपॉन 2, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब ये हमारा एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, और दूसरा काम है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, ऐसे सबकी इस टाइम हेल्प होगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, शेयर कर दिया और फिर हमें तुरंत कमेंट करके बता दिया करो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसे समझने में, ठीक है। थैंक यू।